ओ मैं निकला हगड़ी लेके ओ रस्ते पर एक मोड़ आया के उठे दिल छोड़िया। हाँ जी, क्या चाहिए? दाल चावल आटा या रोटी या छोटे बच्चों की अंग्रेजी लंगोटी? तिल से लेके तार तक, टॉफी से लेके कबाड़ तक सब मिलता है हमारे यहाँ। आप बताओ, आपको क्या चाहिए? दूध की थैली। वही तो नहीं है। होता क्या है ना, गर्मी पड़ रही है, दूध खराब हो जाता है। जितने हमारे ग्राहक बंदे हुए हैं, हम उतना दूध मंगा लेते हैं। अगर आप हमें कल बता देते, हम आपके लिए आज मंगा लेते। अब कैसे चाय पीऊंगी मैं? इसका भी समाधान है, आज आप हमें कंफर्म कर दो कितना दूध चाहिए, कल हम आपको ला के दे देंगे। तो आज कहा गधे के दूध की चाय पीऊंगी। अरे अम्मा, उसका भी समाधान है। बेटा, अगर तैने एक और समाधान मुंह से निकाल दिया ना, तो तेरे गाल पे ऐसी समस्या छाप दूंगी कि सारे समाधान धरे के धरे रह जाएंगे। अम्मा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। आशीर्वाद दो। नीचे झुकना, ये हवा में कैसे हाथ में लहरा रहा है? ओए माँ, हवा में ना उड़ रहे मेरे घोटे। अम्मा राम राम। अम्मा तो आराम से बता ही देती, हमारी कमर में मोच आ गई है। तेरे थोबड़े पर इतनी मोटी मोटी मूछ आ रही है, मैंने सोची मोच भी आ जानी चाहिए। चल बाबा, तो छोड़, नू बता, तेरे घर पर दूध हैगा? हाँ, क्यों? हमारे घर ना है। लेकिन अम्मा, तुम्हारे घर में तो भैंस है। बेटा है तो सही, पर बीमार होगी रात को, या मारे डॉक्टर के गई है, अब अपना बीपी नपवा के सांझ को ही आएगी। यही मारे दूध की थैली लेने आई मैं, पर सगरी दुकानन पे पूछ लिया, कहीं भी ना मिली। अब मैं कहा बताऊं, मोचाई की तलब लग रही है बेटा बहुत तेज। अच्छा अम्मा, लेकिन अब कैसे करोगी? कैसे कहा, एक काम करना, तुम अपने घर लेकर चल बेटा, एक कप चाय पिलवा दियो बेटा। अरे अम्मा, हम लेट हो रहे हैं, हमें क्रिकेट खेलने जाना है, आज टूर्नामेंट है हमारा। ए बेटा, देखिए एक कप चाय पिलवा दे, मैं तो इतना इतना भर के आशीर्वाद दूंगी, फिर तू देखे जीत के आएगा। अम्मा लेकिन अगर हम टाइम से पहुँचेंगे तभी तो जीतेंगे। अरे यहाँ में टाइम की कहा बात है, परीक्षा थोड़ी है, टूर्नामेंट ही तो है। अम्मा टूर्नामेंट नहीं, टूर्नामेंट कहते हैं उसको। बेटा मैंने सुबेरे से चाय ना पी ना, ये हमारे मेरी जुबान भी लठ रही है, अगर तुम वो चाय पिलवा देगा ना तो मैं टूर्नामेंट कह दूंगी। अरे अम्मा, हम पहले लेट हो रहे हैं, हमको जाने दो। बेटा पिलवा दे। अम्मा जाने दो हमको। बेटा मुझे चाय पीने का मन हो रहा। बेटा अम्मा हमको जाने दो। बेटा मुझे चाय पिलवा दो। मुझे चाय भी ना पिलवा रहा। अरे मैया, बेटा दूध की थैली हैगी? नहीं अम्मा, इस टाइम है ना ग्राहक कम आते हैं, तो एक दो आइटम है ना कम करके रखना चाहिए। तो बेटा यू खाली बैठ के मक्खी मारने से कहाँ होएगा? होगा तो मच्छर मारने से भी कुछ नहीं। प्रोबो पे ओपिनियन बनाने से जरूर कुछ हो जाएगा। प्रोबो? अब ये क्या है? तो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, इसमें तो सबसे पहले कैटेगरी चुननी पड़ेगी जिसमें तुम माहिर हो, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स और न्यूज, अपनी तरीके से चुन लियो। वाक्य बाद वाक्य सवाल आएंगे कुछ, उन सवालन का यस और नो में जवाब दियो। अगर तेरा जवाब सही हुआ तो तू यह छोटी सी दुकान से बड़ा शोरूम बना पाएगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज है अम्मा, लेकिन ये तो इंग्लिश में होगा ना? इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड। अरे बेटा, यू इंग्लिश में ही ना, हिंदी में भी है, तू चाहो तो हिंदी में क्वेश्चन देख ले। यू देख, मैं तो दिखाऊं। यू देख रहा, यू सवाल देख के अब बता, हाँ या ना, यस या नो। यस। एल, देख जीत गा ना। बेटा यू कोई ऐसा वैसा ऐप ना, 50 लाख से ज्यादा लोग खेले हैं यहाँ पे, और तो और 200 से ज्यादा तो लाखों रुपए जीत जावे। ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है अम्मा, लेकिन एक बात तो बताओ, जो हमने पैसे जीते हैं उसको विड्रॉ कैसे करेंगे? अरे बेटा, अपने फोन पे, पेटीएम, बैंक, UPI काई सु भी तू विड्रॉल कर सके आसानी सु। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होएगी, वहाँ से डाउनलोड करने पे 50 रुपए मिलेंगे। तो हाँ, तो जा पैसा कमा। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ, दूध की थैली कहीं और से मांगो, मुझे पैसा कमान दे थोड़ा सा। भलाई का जमाना ही ना।
बताओ राम जी, आज तो हद्दी होगी, कहीं दूध ही ना मिल रहा। यासु बढ़िया तो मैं श्यामवती के घर चली जाती, आराम से बैठ के रामपाल की लुगाई की चुगली करती, तो एक कप चाय और गैल में नमकीन बिस्कुट भी मिलते। पर कहा बताऊं, एक बिजली होएगी घर पर सोरी होएगी पड़ी, वहां जगाऊं जाकर। सूरज साउथ अफ्रीका सु तिलक तालिया पर तो खाट सु चिपटने सु ही फुर्सत ना। यू कोई तरीका उठाने का? बेटा मो मत न सिखाइए तरीके, नहीं लतीफे सुना दूंगी। मो कहा लतीफे सुनाओगी, मेरी तो जिंदगी में वैसे भी लतीफे चल रहे हैं। जब देर में जगेगी तो जिंदगी के लतीफे खत्म भी ना होंगे। देर सु मुर्गा भी ना बोल पाता, वासु पहले तो तुम उठाने ही आ जाओ। अजी मुर्गा, बेटा कलयुग चल रहा, मुर्गे सु पहले लोगन के फोन बोलन लगे और फोन सु पहले तुम। बेटा कहा करूं, मो तो बोलना ही पड़ेगा, अगर मैं ना बोलूंगी ना तो यू घर घोसला बन जाएगा। जैसे अभी तो व्हाइट हाउस बना रखा ना यू। व्हाइट काई को दिलवाली आ जान दे एक बार, या घर लाल पीला पुतवा दूंगी, फिर चकाचक हाउस बन जाएगा। दिलवाली ना दिवाली, मैं तो दिलवाली कहूंगी। तुम दिलवाली क्या हो या दिलवाला? मेरी नींद का तो दिवाला निकाली दे ओ रोज की रोज तुम। हाँ तो रोज की रोज जल्दी उठ जाए कर, और जो ना उठी तो कहा हुआ, मैं हूं ना तो उठाने को। अम्मा अलार्म 9 में मेरा, तू 7 बजे का अलार्म लगाएगी, मैं 5 बजे ही बोलन लगूंगी। और काई में हिम्मत भी ना कि मुंह बंद करके और सो जावे और अपने सपने में खो जावे। तो फिर हो ही जावे। अच्छा जी मोसू टक्कर, मतलब तुम मो सोन ना देओगी? तू सोने की बात कर रही है, मैं तो लेटन भी ना देऊंगी और बैठन भी ना देऊंगी। लो उठ गई अब खुश ना? बेटा अभी भी एक दिक्कत है। अभी भी दिक्कत है? अब कहाँ मर जाऊं? ना ना, अगर तू मर जाएगी तो और भी दिक्कत हो जाएगी। ओ भैया, दिक्कतन के पोटले बांध रखे हैं, अब कहाँ दिक्कत होगी? बेटा मो चाय की तलब लग रही है, पियो ना जाके, यहाँ में कौन सी दिक्कत है? चाय बनी ना है अभी तो, बनाओ ना। बेटा कैसे बनाऊं? आलस छोड़ के इरे नौस पीटी, घर में दूध ना है, कैसे बनाऊं? तो फिर जाके ले आओ ना दुकान से। बेटा अभी दुकान से ही आ रही हूँ, पर गर्मी है ना, गर्मी के मारे लाइट जल्दी चली जावे, तो फ्रिज में रखा दूध खराब हो जावे। या हमारे मो दुकानदार कह रहा, अम्मा तुम कल बताओगी तो एक्स्ट्रा ले आऊंगा तुम्हारे लिए भी। तो राम रतन की दुकान पर पूछ लेती? इरे वहाँ की दुकान पर भी पूछ लिया, वहाँ के धोरे बस एक ही थैली बची है अपने मेहमान मुमून को। अच्छा ताऊ की दुकान पर पूछी? तेरे मैंने पूछ लिया, पूरे गांव में पूछ लिया, पर कहीं ना मिला। फिर कहा भैंस के आने का इंतजार करो। अरे बेटे तब तक तो मैं मर जाऊंगी, मो नहाए हुए 3 घंटे हो गए, और तो पता ही है बेटा, नहाने के तुरंत बाद मो चाय चाहिए होवे। यू तो पता ही है तुम्हें, कहीं भी दूध ना मिल रहा, हर जगह हांड का आ गई हो तुम, अब कहा मैं बकरी का दूध लेकर आऊं? ना बेटा वाके दूध सू तो थोड़ी महक सी आवे। तू ऐसा करना, एक दो दुकानन पे और आगे बढ़ के पूछ ले जाके, कहा पता मिल जावे। अरे यार तुम्हारी तलब के चक्कर में अम्मो अपने पाम तोड़ने पड़ जाएंगे। ए बेटा चली जा देख, मैं तो बिस्कुट को भी 5 रुपया दे रही हूँ, ठीक है ले बिस्कुट खा लियो। अरे यू बिस्कुट की बात ना है, बिस्कुट के बिना भी मैं जाकर ले आऊंगी। ठीक है तो फिर वापसी दे दे। तम ना सुधरने क्यों कतई भी, वापिस दो। भैया। हाँ जी। फादर डेरी दूध है का? ना जी। जैसी अम्मा वैसी अम्मा की भैंस, वैसे तो जवान का मीटर खेचम खेच चलेगा, और अब देख लो पटसू बीमार पड़गी, दूध की थैली ढूंढते हुए हांडते रहो। कहाँ जा रही हो?
सुबेरे सुबेरे या मनुष की शिकल भी देखनी पड़ेगी। बताओ ना कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ, चलेगा? हम क्यों जाएंगे तुम्हारे साथ मरने के लिए? और वैसे भी हमारी मम्मी कहती हैं, दुनिया में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अरे मेरे भाई मो पता, तू रहला रहला है लेकिन इतने भी नहीं है कि तुम्हारे साथ मरने चल दें। बढ़िया, धन्यवाद। वैसे सच बताओ कहाँ जा रही हो? अरे यार तो भी ना सबर ना है, दूध की थैली लेने जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो भैंस है, फिर दूध की थैली लेने क्यों जा रही हो? अरे यार भैंस बीमार होगी रात, या हमारा अमेरिका भेजी है, ब्लड टेस्ट करवा के पहली फ्लाइट से आ जाएगी। अब अम्मा को चाय की तलब लग रही है, कहा करूँ, या हमारा दूध की थैली लेने जा रही हूँ। अच्छा तू बता, तू कहाँ जा रहा? सोच कर बताओ कहाँ जा रहे हैं? ना सोच पा रही, चल तू बता। लोग सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? टट्टी करना। अरे यार बाग पर जा रहे हैं। कहाँ? अरे टहलने जा रहे हैं। ओहो अच्छा, अम्मा भी तो जावे टहलने, पर तो कहा दिक्कत आ गई, तू काहे को टहलने जा रहा? तेरे कौन से जोड़न में दर्द है? यार हम बूढ़े थोड़ी हैं जो हमारे जोड़ों में दर्द होगा। तो फिर? अरे यार पेट निकल आया है, मम्मी कहती हैं अगर पेट अंदर नहीं गया तो कोई लड़की तुमसे शादी भी नहीं करेगी। अरे ऐसे कैसे, कोई लौंडी तो शादी ना करेगी, आंख फूटी होएगी तो तेरे जैसे गधे से शादी करके ही रहेगी। यार ऐसे मत बोला करो। मेरे भाई तो मोनू बता कैसे बोलूं मैं, हैं? जब मोटा है तो है, यहाँ में कहा दिक्कत है? मैं तो नू कह रही वॉक टॉक छोड़, गोलगप्पे खाने चल रहे हैं। नहीं यार मम्मी ने बाहर का खाने को मना किया है। अरे मेरे भाई चार दिन की जिंदगी है, पांचवे दिन राजू गोलगप्पे वाला अपने काम चला जाएगा। चलो ठीक है, छठवे दिन से वॉक पर चलेंगे। अब हुई ना बात। वैसे अम्मा ने तुमको कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए हैं। अम्मा काहे को देंगी, तू है ना मेरी गर्ल। हद है यार, भलाई का जमाना ही ना। वैसी भूख के मारे मुंह पे कुछ बोला ना जा रहा, और तू चाय उबालने में इतना टाइम लगा रही है। अरे अम्मा इधर तो बननी रखी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेटा मेरी जुबान भी लट रही है, ऐसा लग रहा जैसे काय ने राख लगा के गांठ मार दी हो। तो यू तो अब तक का तगड़ा गठबंधन होएगा। ओए माँ तू यहाँ कहा कर रही है? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? मैं तो चाय पीना आई हूँ। हाँ तो मैं भी यहाँ दूध मांगना आई हूँ, तुमने ही तो भेजी। पर बेटा एक ही गिलास दूध था, उसमें मैंने अम्मा की चाय बना दी, अब तो शाम को आवेगा। अरे इनकी चाय को तो चाहिए दूध, अब अगर डायरेक्टली चाय ही मिल रही है इनको तो दूध की जरूरत ही कहा। बस एक काम करियो, जब चाय बनाई रही हो तो मेरे लिए भी आधे गिलास बना लियो। पर मैंने तो अम्मा के लिए ही बनाई, उसमें से थोड़ी सी तू भी पी लियो। ना तो फिर इन्हें ही दे दो, मालूम हुआ थोड़ी सी भी प्यासी रहेगी ना तो मो पूरे दिन ताने दे दे के मार देंगी, और कहेंगी आधी चाय तो तू ना पी ली, मेरे तो दाढ़ के नीचे भी ना आई। बस चुगली चाय करवा लो यासू तो। ए बेटा तू चाय ले आ जाके। ठीक है अम्मा ला रही। बेटा आज तो मैं सोच रही मो चाय मिलेगी ना, पर भला हो तेरा जब तैने मो इनवाइट कर लिया चाय पीने को घर पे। ये चाय ना अमृत है अमृत। अरे टाका पड़ गया रे।